प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल इनका पूरा बंद है, रेल बंदी है, क्या है, किस तरीके से सहयोग करेंगे आप रेल मंत्रालय? देखिए, जहाँ तक इससे पहले भी 2 से 3 बार जो है यहाँ हड़ताल इन्होंने की है, परंतु इनका उस हड़ताल के बावजूद भी हमेशा सहयोग रहा है कि स्टेशन पर कोई अव्यवस्था ना रहे, और अगर कोई यात्री जो ज़रूरत में है उसकी इन्होंने मदद भी की है हड़ताल के समय, बल्कि इन्होंने बगैर पैसे लिए लोगों का सामान पहुंचाया है। तो मुझे अभी भी यही उम्मीद है कि यहाँ पे कोई अव्यवस्था नहीं होगी, परंतु जो इनकी मांगे हैं, जो अगर इनकी पूरी नहीं हो रही, इसके लिए करना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से यह है कि अगर ये हमें ज्ञापन देते हैं तो मैं आगे फॉरवर्ड करके इनके लिए जो भी है वो कर सकता हूँ। किस तरह की कौन सी मांगे हैं इनकी, क्या किस तरह का? जो मांगे हैं इनकी, बेसिकली जैसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन इन रेलवेज़ को लेके बात है कि हमें रेल में ले लिया जाए, तो उस तरह पहले हुआ भी है, पर उस समय कुछ लोग छूट गए थे, उसी को लेके इनकी मांगे हैं। इससे पहले भी इन्होंने धरना कर चुके थे, अभी तक सरकार नहीं देते, रेलवे विभाग नहीं खेल रहा, आगे क्या है? ये एक्चुअली हमारे स्तर पे नहीं है, ये ऊपर के स्तर पे बात है, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल की बात है, तो अगर वो हेडक्वार्टर लेवल पे या रेलवे बोर्ड लेवल पे काम होना है तो इसके लिए इन लोगों को, तो हम अपने स्तर पे तो कुछ नहीं कर सकते, पर हाँ हमने फॉरवर्ड किए हैं इनकी एप्लीकेशन या ज्ञापन जो है। जिससे से कल प्रदर्शन गया, यात्रियों की असुविधा भी नहीं होगी, तो धरना प्रदर्शन से क्या महत्व? अपनी बात तो ये रखना चाहते हैं तो वो तो रखी जा सकती है।